दरभंगा राजद आगामी 7 तारीख को शहर में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है और इसको लेकर तैयारी पूरे जोश के साथ किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिला इकाइयों को आदेश दिया है। दरभंगा में जिला अध्यक्ष उमेश राय के नेतृत्व में इसको लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें यह निर्णय हुआ है कि कर्पूरी चौक से लहरिया सराय टावर तक सड़क पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सर तैयारी कर रहे हैं 7 तारीख के लिए। 7 अगस्त को मंडल आयोग की सिफारिश विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा लागू की गई थी। बीपी मंडल के द्वारा जो कमीशन गठित था, जिसको लागू हुआ था, लगातार संघर्ष के बाद, काफी संघर्ष के बाद, पिछड़ों की लड़ाई के बाद ये 7 तारीख को लागू हुआ था। तो 7 तारीख को उसकी याद मनाने के लिए और मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू नहीं हो पाई हैं, जो मतलब ये जातीय जनगणना जो हो रही है, जिसमें पिछड़ों को जो है सो उसकी जातीय जनगणना होनी चाहिए, बैकलॉग का मामला है, ये सारे बिंदुओं पर राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश स्तर से निर्णय लिया है कि सभी जिला मुख्यालय पर हमको प्रदर्शन करना है और माननीय जिला अधिकारी को मेमोरेंडम देना है। इसके लिए दरभंगा जिला में व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी हो रही है। हमको लगता है कि ये काफी बड़ा अच्छा कार्यक्रम होगा, मजबूत कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक होगा और निश्चित रूप से भारत सरकार को मजबूर करेंगे हम लोग, बिहार सरकार को मजबूर करेंगे कि जो हमारा जो ड्यू है, जो हमारा बकाया है, जो मतलब के पिछड़ों का, दलितों का, उसको मिलना चाहिए, उसको देना चाहिए, ताकि उसकी योजना बन सके, उसका कल्याण हो सके, जो लंबे अंतराल का संघर्ष है वो पूरा हो सके। दमखम दिखाएंगे। महिला जिला अध्यक्ष हैं आप, 7 तारीख की कैसी तैयारी आपकी है? हमारी 7 तारीख की तैयारी माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी जी का आदेश, हम लोगों के आदेशों का पालन करेंगे और हमारी महिलाओं की भागीदारी रहेगी 7 तारीख को। क्या नाम है? यास्मीन खातून, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। क्या क्या रणनीति तय कर रहे हैं 7 तारीख के लिए आज बैठक में? अभी थोड़ा सा नीट में हाफ मिनट में समझा देते हैं। नीट में जो राज्य सरकारी की सीटें हैं, उस सीटों के अलावा 20% सीट केंद्र सरकार ले लेती है और उसमें एम्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं, मेडिकल कॉलेज है वो है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सीटें हैं उसको लेके 20% सीट जो सभी राज्यों से लेता है और इस राज्य का उस राज्य का इसमें करता है, उस हिसाब से होता है। एक सलोनी कुमारी वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नाम से जून 2015 में एक केस दायर हुआ। 15 और 16 तक तो वो मिला और 17 तक, और 18, 19, 20 में 3 साल ये बंद कर दिया, और इस बार की लड़ाई के वजह से ये नीट में हम लोगों को जो हमारा खोया हुआ हक था वो मिला है। ये 20% हमारा खोया हुआ था। 20% में हमारा 14,000 सीट था, जो हमारे डॉक्टर्स, जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो लोग होंगे वो उसमें शामिल हो सकेंगे। अब 8,800 जिले हैं। हम समझते हैं कि हर जिले से कितना होगा, 800 में 1400 से भाग दिया कितना होगा, 200 के करीब में, लगभग हर जिले से 150 से 200 हर जिले से हमारे पिछड़े वर्ग के डॉक्टर पैदा होंगे, बनेंगे डॉक्टर, जो हमारा जो सरकारी नौकरी में जितने मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन। जो 7 का प्रोग्राम है, 7 तारीख को ही बीपी मंडल साहब ने मंडल कमीशन की घोषणा किया था, संसद बीपी सिंह। तो तब से ये हमारा वो तो हुआ। बाद बाकी जो अनुशंसाएँ हैं उसको लागू करने में ये कोर्ट कहता है कि भाई आपका तो 90 साल पुराना जनगणना है, वो उसको हम नहीं मानते। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से स्टेट गवर्नमेंट में किया, स्टेट में किया है, और वो भी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के वजह से उसने मध्य प्रदेश को किया है। और उसके बाद जो अन्य प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में
उन प्रदेशों की ये स्थिति है कि उसमें जातिगत जमघाड़ा है कि अब तक जो है जो 90 साल से भूखा हुआ है उसको जातिगत बता दे कि भाई जैसे बताया हमारे प्रभारी जी ने कि बकरी का करते हैं, मुर्गी का करते हैं, फ्रिज या टीवी का करते हैं, कुत्ता बिल्ली का करते हैं, और जातियों के करने में क्या आपत्ति है। इसको हम सड़क पर हर एक आदमी के बीच में इसको सवाल को खड़ा करना चाहते हैं कि ये लोग अपने तैयारी करें और अपने अपने हर जिला मुख्यालय में ये राजद के तरफ से ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये निर्देश है। हमारे प्रदेश के ज्योति ये तेज प्रताप जी तेजस्वी जी जो नेता विरोधी दल हैं उनके तरफ से ये एक अलग से एक आदेश आया है, एक निर्देश आया है कि वो आप हर जिला में प्रदर्शन करिए और अपनी बात प्रधानमंत्री को भेजना है, यहाँ द्वारा कलेक्टर के माध्यम से उसको भेजना है। यही हम लोग का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी कर्पूरी चौक से दिन के सवे 11 बजे। वहाँ से हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से दो लाइन में जमा होके और कलेक्टर के यहाँ जाके एक स्मार्ट पत्र देंगे और वहाँ के बाद हम लोग का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। यही हमारा कार्यक्रम है।